नहीं हो पाई, बेंगलोर में संभव था उस समय के जो भी प्रोटोकॉल था उसमें और SOP वगैरह थे, तो बेंगलोर में संपन्न हो गया और चुनाव वर्ष था, तो इन द लाइटर मैन दत्तात्रेय जी बेंगलोर के हैं इसलिए चुनाव को बेंगलोर में खींच लिया, ऐसे किसी को लगा होगा। मेरे तो इतनी क्षमता तो मेरी नहीं रहती है। आज मैं पुनः एक बार सभी को धन्यवाद देता हूँ इस गुरुतर दायित्व के लिए मेरे योग्य समझा, और इस दायित्व को निभाने के लिए जो संघ के परंपरा है, बड़ों के मार्गदर्शन है, उन्होंने जो जिस प्रकार के एक मार्ग प्रशस्त किया है उस पर चलने का प्रयास मैं करूँगा। इससे ज़्यादा इस संदर्भ में मैं नहीं कहना चाहता। प्रतिनिधिसभा बैठक संपन्न हो रही है, आज शाम तक समारोह के साथ पूजनीय सरसंघ चालक जी के पाथे ये सभी प्रतिनिधिसभा में आए हुए लोगों को मिलेगा, उसके साथ बैठक समाप्त होगी। संघ के निरंतर कार्य बढ़ने के कारण कई आयाम बढ़ते हैं और शाखाएं बढ़ती हैं, शाखा बढ़ती है तो संघ के प्रतिनिधि बढ़ते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है, इसलिए इस बार हमारे लिए व्यास सभागृह जो प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधियों के लिए बैठ सकते हैं ऐसे करके कुछ वर्ष पहले निर्माण किया था वो कम पड़ गया, तो इसलिए मैदान में एक अस्थाई रचना करनी पड़ी। तो अच्छी बात है, संघ के कार्य बढ़ने से और हमारे कार्यालय और इस प्रकार के भवन छोटे पड़ते हैं तो अच्छा है। तो भवन बड़ा होना एक है, लोगों के दिल उससे बड़ा है, तो इसलिए लोगों के हृदय के अंदर संघ प्रवेश कर रहा है और समाज में संघ के प्रभाव बढ़ते जा रहा है। अभी श्री रामलला प्रतिष्ठा के पूर्व 1 से 15 जनवरी तक देश भर में अक्षत वितरण के कार्यक्रम जो हुआ उसके बारे में आपको जानकारी दिए हैं, उसमें जिस प्रकार लोगों के स्वागत रहा वह देश के अंदर वातावरण कैसे है, और वर्षों से संघ के कार्यकर्ता स्वयंसेवक और सारे हिंदू समाज जिस सपने को देख रहा था और जिस विषय के आग्रह पूर्वक हमने कहा था श्री राम जन्मभूमि और उस पर एक मंदिर, यह भारत के सभ्यता का प्रतीक है, संस्कृति का प्रतीक है। श्री राम भारत के सिविलाइजेशनल सिंबल है, राम मंदिर इस देश की अस्मिता का प्रतीक है, यह बार बार सिद्ध हुआ है। और 22 जनवरी के पौष शुक्ल द्वादशी के कार्यक्रम इसको पुनः सिद्ध करके दिखाया है, तो इससे भी अधिक का हमारे लिए एक आनंद की बात यह है कि देश भर में स्वयंसेवक और इस विचार के साथ जुड़े हुए लोगों ने 19 करोड़ से अधिक, लगभग 20 करोड़ तक घरों का संपर्क किया है। यह